तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ घरेलू फेशियल, जो कि दूध का फेशियल है। और आज के डेट में आपको पता है दूध जो है हर किसी के घर में इजीली मिल जाता है। तो इस बदलते मौसम के साथ ये जो फेशियल है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और इस फेशियल को अगर आप करते हो ना, तो आपके चेहरे पर पार्लर वाले फेशियल से भी कई ज़्यादा गुना निखार आएगा। आपके चेहरे पर जितने भी डेड स्किन जमी हुई है, मैल जमा हुआ है, धूल मिट्टी गंदगी जो भी जमा हुआ है, सब बिल्कुल साफ हो जाए। कितना भी ज़्यादा आपका चेहरा खराब हो रखा है, या फिर आपको पता है आपके चेहरे पर बिल्कुल चमक नहीं है, काला पड़ गया बहुत ज़्यादा, तो आपको मैं बताऊँ कि इसको करने से आपको पार्लर वाले फेशियल से भी ज़्यादा निखार आएगा। पार्लर वाले फेशियल में तो एक बार में चमक आ जाती है, जब हम फेशियल करा के आते हैं तो दूसरे दिन तीसरे दिन तो वो चमक आ जाती है, लेकिन वो चमक एक दो दिन बाद गायब हो जाती है। आप देखोगे कि जब आप अपने स्किन पर ऐसे हाथ घुमाओगे ना, तो आपकी स्किन तो एकदम बिल्कुल खुरदुरी हो जाती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पार्लर वाले जो है बहुत ज़्यादा स्किन को रब करते हैं, और दूसरी बात उसमें जो होते हैं केमिकल होते हैं, और ये घरेलू जो फेशियल होता है इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और भाई ये फेशियल पता है क्या, कोई भी कर सकता है, लड़का हो या लड़की हो, या 20, 30, 40, 50, 50, कोई भी एज के हो, वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। आप इसको ज़रूर करिए और इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इतनी चेहरे पर चमक आएंगी कि आप महंगे फेशियल को भी भूल जाओगे। बहुत बढ़िया, इससे आपके चेहरे पर बिल्कुल दूध जैसा निखार आएगा, चेहरा गोरा हो जाएगा, डेड स्किन बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस फेशियल में जो भी सामान लगने वाला है, जो भी इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं, वो आपके घर में ही अवेलेबल है। जब आप ये फेशियल करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पार्लर से कोई बहुत महंगा फेशियल कराया है। बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा निखार आ जाएगा चेहरे पर, इतना ग्लो आएगा कि आप मतलब सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या हो गया हमारे चेहरे को, इतना साफ, इतना ग्लोइंग, एकदम दूध सा। तो फ्रेंड्स, और पहली बार में ही आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। देखिए, जब भी हम कोई फेशियल करते हैं तो हमको सबसे पहले अपना फेस जो है बिल्कुल क्लीन कर लेना है, पानी से धो लेना है या फिर फेस वॉश कर लेना है। आपके चेहरे पर जो भी मेकअप हो या फिर कुछ गंदा हो गई, धूल वूल लगी हो थोड़ी बाहर से आए हो घूम कर, तो उसको साफ कर लीजिए। उसके बाद हमारी फर्स्ट स्टेप होती है क्लिंजिंग, जो कि हम करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्लिंजिंग के लिए, सबसे पहले ले रही हूँ कच्चा दूध। और कच्चा दूध आप चाहे तो इसको ले सकते हो अपने हथेली पर ही, ठीक है, ये देखिए, या फिर चाहे तो आप इसको कटोरी में भी ले सकते हो, ये देखिए, इस तरह से आपको कच्चे दूध को अपने फेस पर इस तरह से लगाना है। देखिए, मेरा चेहरा बिल्कुल साफ था, सिर्फ लिपस्टिक लगी हुई है। मैं और ले लेती हूँ और इस तरह से आपको क्या करना है, इसको ना 2 मिनट तक, 2 से ज़्यादा अगर आपका चेहरा बहुत गंदा हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा डेड स्किन जमा हो गई है और आपने बहुत दिनों से अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, इसको 10 मिनट तक के इस तरह से दूध को ले लेकर, जब ये सूख जाए तो दोबारा और ले लेकर, मतलब इस तरह से आपको मसाज करनी है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि घरेलू चीज़ों से ही आप इतनी अच्छी, मतलब इतना अच्छा चेहरे पर निखार ला सकते हैं। तो जी, इस तरह से क्लिनजिंग करने के बाद में आप चाहे तो इसको कॉटन से पोंछ सकते हो, गीला करके कॉटन से, या फिर इसके ऊपर ही कर सकते हो, क्योंकि मेरा चेहरा साफ है और मैंने कल भी अपने चेहरे को क्लीन किया था, मतलब क्लिनजिंग की थी। तो फ्रेंड्स, मैं इसको धोने वाली नहीं हूँ, इसी के ऊपर हम सेकेंड स्टेप करेंगे। और
और सेकंड स्टेप हमारी क्या होती है दोस्तों, स्क्रबिंग। ठीक है, स्क्रबिंग के लिए आपको क्या लेना है, स्क्रबिंग के लिए आपको यहाँ पर लेना है गेहूं का आटा। ये देखिए, आप चाहे तो इसको हथेली पर, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप चाहे तो इस तरह से खाली कटोरी भी ले सकते हो, खाली बाउल ले सकते हो। मैं जस्ट हाथों पे ही कर रही हूँ अपनी हथेली पर, क्योंकि मैंने अभी बस 2 दिन 3 दिन पहले ही अपने चेहरे पर लगाया था। ठीक है, ये देखिए, तो हमको क्या करना है इसको ना इस तरह से, मतलब हमको ज़्यादा मतलब पतला नहीं करना है, थोड़ा सा जैसे डिगले डिगले रहते ना, मतलब गाढ़ा रहता है, देखिए अच्छी तरह से ना हो इस तरह से कर लेना है आपको। ठीक है, ताकि मतलब मेरे कहने का मतलब ज़्यादा पतला ना हो। ठीक है, इस तरह से हमको स्क्रबिंग करनी है। ये जो है आटा, गेहूं का आटा, गेहूं की रोटियां तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी बनती है, हर किसी के घर में गेहूं का आटा आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए इस तरह से स्क्रब करने के लिए हमने जो दूध में जो आटा मिल लिया है, मतलब मिलाया है, वो आटा है गांठ फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जब हम मिला रहे थे तो गांठों की फॉर्म में होना चाहिए वो। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या होगा, ये क्या करता है, ये आपके चेहरे को एक्सफोलिएट करता है। अगर हम अपने चेहरे को एक्सफोलिएट नहीं करेंगे ना, तो आपको मैं बताऊँ कि डेड स्किन बहुत सारी जमा हो जाती है, और वो हर टाइप की स्किन के हिसाब से, किसी को झाइया हो जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा झुर्रिया हो जाती है, इस तरह से मुहासे हो जाते हैं, सबको अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो गेहूं का आटा है ना, स्किन को मतलब एक्सफोलिएट करता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें दूध मिक्स किया है, तो मक्खियाँ थोड़ी सी, एक मक्खी बहुत परेशान कर रही है, तो मैं अब ये चेहरा जो है धोकर आती हूँ। और थर्ड स्टेप हमारी होती है फेस पैक, जो कि अभी हम तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने अपना फेस धो लिया, सिर्फ 2 स्टेप में मेरा चेहरा जो कि बिल्कुल कितना साफ दिख रहा है ना। तो अब हमारा थर्ड स्टेप है दोस्तों फेस पैक। उसके लिए हमको क्या लेना है, हमको लेना है दोस्तों, मक्खी बहुत परेशान कर रही है, दूध का यूज़ कर लिए तब से, ये है चने का आटा। ठीक है, जिसकी हम पकौड़ियाँ बनाते हैं, चने का आटा लेना है हमको। और दूसरा हमको लेना है यहाँ पर हल्दी। ठीक है, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आपको क्या करना है, कस्तूरी हल्दी इससे थोड़ी ज़्यादा लेना है। किचन वाली हल्दी है वो मैं 1 पिंच लूँगी, क्योंकि किचन वाली हल्दी जो होती है उसमें रंग होता है, मतलब कलर छोड़ती है वो चेहरे पर। और कस्तूरी हल्दी जो होती है ना, वो अपने चेहरे आपके चेहरे पर बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ती, क्योंकि उसमें कोई कलर नहीं मिक्स होता, वो चेहरे के लिए ही होती है। तो मैं एक बाउल लेके आ रही हूँ, और उसमें हमको मिक्स करना है कच्चा दूध। कच्चे दूध के साथ में हमको उसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने ले लिया यहाँ पर कच्चा दूध, और दूसरा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, इसमें मिक्स कर रही हूँ चने का आटा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना पतला करना है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा। ठीक है, मतलब हमारे चेहरे पर एक मोटी सी लेयर लग जाए, बस इस तरह से। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। इन दोनों तीनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। अब हो गया बहुत ज़्यादा, अब मुझे अपने हाथों का ही यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए, तो इस तरह से हमको इसको, ये देखिए बन गया है, ये एकदम पतला। अब हमको इसमें ऐड करना है दोस्तों ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल की हम इसमें 1 से 2 बूंद ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपके घर में ऑलिव ऑयल नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको इसकी जगह पर लेना है खोपरे का तेल, नारियल का तेल, या फिर आपके पास जो भी तेल आप यूज़ करते हो वो ले लेना है। तो ये देखिए, ये बन गया है हमारा पैक। ठीक है, फेस पैक बन गया है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और ये कर रही हूँ। तो हमको क्या करना है, देखिए इसको एक मोटी मोटी लेयर लगानी है, मतलब ज़्यादा पतली नहीं। ठीक है, इस तरह से
आपको कंजूस से बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इससे ये जो हमने लिया है बेसन, जो चने का आटा लिया है, ये क्या करेगा, आपके चेहरे को तेज को बढ़ाएगा, चमक को बढ़ाएगा, आपकी स्किन को अंदर से साफ करेगा बिल्कुल। और हमने जो कच्चा दूध लिया है ना, ये पता है आपके, मतलब आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करेगा, आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा ये। और जो हल्दी हमने ली है, हल्दी का तो आपको पता है कि ये एंटी बैक्टीरियल होती है, आपके चेहरे पर अगर कोई भी इन्फेक्शन हो ये उसको उससे मतलब आपकी वो प्रॉब्लम दूर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं लगा रही हूँ एक मोटी लेयर, आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी इसको लगा सकते हो चेहरे के ऊपर। या फिर अपने हाथों से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, तो भाई ये इस तरह से हमने अपने पूरे फेस पर इसको लगा लिया है। ये आपके, ये पूरा पैक जो है आपके चेहरे की ड्राइनेस खत्म करेगा, आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा, चमक लाएगा, आपके चेहरे का कालापन दूर करेगा, और साथ में अगर आपके चेहरे पर झाइया है, झुर्रिया है, वो बिल्कुल दूर करेगा। आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएंगी स्किन, और साथ में ग्लोइंग हो जाएंगी। इतने ज़्यादा फायदे हैं इस फेशियल के कि आप जब इसको करोगे उसके बाद ही आपको इसके रिजल्ट पता चलेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको लगा लिया है। और अब हमको क्या, आप चाहते तो गर्दन में भी लगा सकते हो पूरा। अब हमको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये लग गया ना पूरा, उसके बाद आपको इसको 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है, जो कि आधा गीला आधा सूखा हो, ठीक है। उसके बाद आपको इसको मसाज देनी है, और मसाज देकर आपको इसको ठंडे पानी से चेहरा वॉश कर लेना है। अगर नहीं तो आपको क्या करना है, इस दो स्टेप बता रही, मतलब आपको दो तरीके से कर सकते हो। देखिए, एक तो फिर आप इसको गीले में ही इस तरह से 10 मिनट के लिए इसको आप क्या करिए, इस तरह से मसाज करिए, और 10 मिनट के बाद फिर इसको सूखने दीजिए, और सूखने के बाद इसको फिर आप चेहरा वॉश करिए। आपको जो भी, दोनों में से जो भी मतलब इजी लगे, अच्छा लगे, तो आप वो कर सकते हो इस तरह से। देखिए, मैं इसको पहले ही कर लेती हूँ, मसाज दे देती हूँ, और उसके बाद इसको छोड़ दूंगी सूखने के लिए। तो अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं इसको ज़्यादा मतलब ये नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपको बता रही 2 बार कि मैंने 2 दिन पहले ही कर लिया था एक फेशियल, हल्का फुल्का इसी तरह का, इसलिए मैं अभी इसको ज़्यादा चेहरे को नहीं ये करूँगी, ठीक है। तो मैं इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा हटाकर देखिए कितना बिल्कुल अंडा चीले जैसा दिख रहा है। देखिए इस तरह से, यहाँ देखिए, देखिए कितना ग्लो आ गया एकदम से। तो भाई, इतनी मेहनत करके बनाया है ये फेस पैक, तो मैं इसको अपने चेहरे पर रहने दूंगी 10 मिनट के लिए, और इसको अब सूखने दूंगी, और सूखने के बाद आपको चेहरा मैं वॉश करके दिखाती हूँ। और चेहरा धोने के बाद में इसमें चेहरे पर क्या अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी नहीं क्योंकि वो चीज़ मेरे पास अभी है नहीं, ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, ठीक है। तो भाई, मैंने चेहरा देखिए धो लिया है, मैं चेहरा पहले पोंछ लेती हूँ। तो आपको चेहरा धोने के बाद क्या लगाना है कि आपके जो चेहरे की चमक है, जो खूबसूरती है, वो बिल्कुल लॉक हो जाए, तो इसके लिए आपको लेना है गुलाब जल, ठीक है। स्प्रे वाली गुलाब जल की बॉटल आती है, या कोई भी गुलाब जल आपके पास ऐसे ही रखा हो बॉटल में, उसको आप अपने हथेलियों पर ले ले, या स्प्रे बॉटल है तो उससे आप इसको अपने चेहरे पर स्प्रे कर सकते हो, ताकि आपका जो ग्लो है वो लॉक हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास गुलाब जल है नहीं, ख़त्म हो गया है, तो उसकी जगह पर मैं ले रही हूँ यहाँ पर एलोवेरा जेल, ठीक है। तो एलोवेरा जेल जो है, मैं इस तरह से अपनी हथेलियों पर ले लेती हूँ,
और फ्रिज मेरा बहुत ठंडा लग रहा है ये, और इसको इस तरह से अपने चेहरे पर इस तरह से लगा लेती हूँ। ठीक है, एकदम हल्के हाथों से आप देखेंगे कुछ देर बाद ये पूरा अच्छी तरह से आपके स्किन में मतलब चले जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा आसान आपको मैंने आज का फेशियल बताया है, जिसको करके आप मतलब फेशियल में जैसे पार्लर में सॉरी पार्लर में महंगा वाला फेशियल के जैसे आपको ग्लो मिल सकता है घर पर ही बिना 1 रुपया खर्च किए। और इसके जो इंग्रेडिएंट है मतलब घरेलू फेशियल होने की वजह से इसके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वाला फेशियल बहुत अच्छा लगा हो, इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे लगे हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर आऊँगी खूबसूरती बढ़ाने के, आपके बालों के, हर चीज़ के। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।